I'm Dr. Asif Shah, working as a consultant a rheumatologist in internal medicine, NHS England. आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ अपने जो भी कोलीग्स हैं पाकिस्तान में, इवन आउटसाइड पाकिस्तान, लाइकली इन इंडिया, बांग्लादेश एंड मिडल ईस्ट. काफ़ी ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जो यूके अप्लाई करते हैं वीज़ा पर्पसेस के लिए. पर्टिकुलरली आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा वो कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान से प्लेब के लिए आते हैं, जो फर्स्ट टाइम आते हैं प्लेब के, जो है ना, प्लेब टू के अटेम्प्ट के लिए यूके में, और एमआरसीपी जो जिसको हम पेसिस कहते हैं या क्लिनिकल कहें या वाइवा के लिए जब वो यूके आते हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तानी कैंडिडेट्स यूके ट्रेवल करते हैं, अदरवाइज दे कैन ट्रेवल इन मिडल ईस्ट, मलेशिया, श्रीलंका एज वेल. सो ओवरऑल तो जो भी उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस है उसकी काफ़ी डिटेल्ड होती है, यूके की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वीज़ा की, तो बहुत ही जो है ना कॉशियसली उसको फिल आउट किया जाए जो आपकी डिटेल्स हैं. मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता जो नॉर्मल आपकी जो है ना बायोडेटा, जो भी उसमें जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं. एक तो सिंपल चीज़ है कि उसमें कभी भी आप जो है ना बींग ऑनेस्टली जो आपने उसमें जो डेटा होगी उसको आपने फिल आउट करना है. बात आती है कि हम बींग अ ट्रेनी, बींग अ डॉक्टर, मेरी इस वीडियो में आउटसाइड दी मेडिकल प्रोफेशन में उसको कोट नहीं कर सकता कि वीज़ा पर्पसेस डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी ट्रेवल है, जॉब, बिजनेस, स्पाउस वीज़ास, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर प्लेब और एमआरसीपी के लिए जो वीज़ा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ होती है कि बैंक स्टेटमेंट या आपके जो बैंक अकाउंट में जो किस तरह से आप उसको मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर रिजेक्शन ऑफ द वीज़ा. मेरे काफ़ी ऐसे कुलीग्स हैं जिनके एक मरतबा इवन ट्वाइस एमआरसीपी के लिए जो है ना वीज़ा रिजेक्शन हुई. इसमें मैं उन कैंडिडेट्स को ये गाइड करूंगा कि अगर आप, लेट सपोज आपको प्लेब के लिए आपने प्लेब वन दिया है और उसी वक्त से आप अपनी जो है ना अकाउंट को मैनेज करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को लॉजिकली उसको आहिस्ता आहिस्ता से प्लान करते जाएं. वो मैं बताता हूँ, सिंपल प्रोसेस है, डिपेंड करता है कि आप जॉब कर रहे हैं. तो अगर आप जॉब करें तो आपकी सैलरी से जो आपकी बैंक में अमाउंट आएगा वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपली डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें कि आपकी जॉब एम्प्लॉयमेंट है और आपकी मंथली वहां से जो सैलरी आ रही है वो वहां पे इन हो रही है. सेम कैंडिडेट्स प्लेब, लेकिन सम टाइम प्लेब कैंडिडेट जो है ना ऑब्वियसली अगर के अर्ली स्टेजेस पे हों पोस्ट हाउस जॉब तो वो जॉब नहीं करते. उसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ. एमआरसीपी के लिए मैं जस्ट बताता हूँ. एमआरसीपी के लिए मोस्टली कैंडिडेट्स ट्रेनिंग में होते हैं, उनको जॉब होती है, तो वो उनके लिए अगेन इट्स वेरी इजी. जो आपकी सैलरी आ रही है, आप बाय द टाइम एमआरसीपी टू जब आप अटेम्प्ट करें देन यू शुड सेव यू नो ईच मंथली सैलरी, आप उसमें ना सबमिट करते जाएं. वहां से मेजर इनफ्लो आपके अकाउंट में ना हो ना ही मेजर आउटफ्लो हो. यूजुअली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, बाय द टाइम अगर जल्दी में किसी को हो गया कि हम पैसेज अगला अटेम्प्ट देते हैं 2 मंथ्स 3 मंथ्स या विद इन 6 मंथ्स, उनकी अकाउंट में यूजुअली इतनी सैलरी नहीं होती या आपकी सेविंग्स नहीं होती. फिर वो एकदम से अपने फ्रेंड्स, अपने लाइकली पेरेंट्स, फ्रेंड्स, अंकल्स, किसी भी फैमिली मेंबर, भाई से या किसी से भी वो अमाउंट एकदम से उस बैंक में जो है ना सम अप करते हैं. यही जो है ना मेजर मिस्टेक होती है कि फॉर लेट सपोज किसी के बैंक पे शायद 50,000 या 1 लाख था. फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में जो है ना 1 लाख था और मुझे पेसिस के लिए 3 महीने के बाद जाना है. उसके बाद मैंने किसी से 5 लाख लिए, किसी से 2.5 लाख लिए या 3 लाख लेके मैंने ना उसमें अकाउंट में रख दिए. ये क्या हुआ कि काफी ऐसे कैंडिडेट्स ऑब्वियसली जो अपने सीनियर से पूछते हैं, किसी को आइडिया है या किसी को आइडिया बिल्कुल नहीं होता, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो उनको इस बात से नहीं होता कि वो जस्ट, क्योंकि एक होता है कि आपके बैंक में 10 लाख हो, 5 लाख हो या 15 लाख हो, आप 10 लाख भी जो है ना ऐड कर देंगे लेकिन आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा. क्योंकि जो वीजा ऑफिसर्स होते हैं एकदम से अगर 5 लाख आप उसमें ऐड करेंगे या उससे ज्यादा रकम शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो ये सस्पिशियस एक्टिविटी होती है. क्योंकि स्लोली आप अपनी बैंक अकाउंट में जो स्टेटमेंट है उसको आप अप करते जाएं. जॉब कर रहे हैं आप, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में हैं,
तो आपकी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख सैलरी है और आप अभी MRCP 2 दे रहे हैं, तो यू शुड थिंक अबाउट 1 साल का गैप रखें या इवन 6 मंथ्स का भी गैप हो, तो उसमें आप लॉजिकली 1-1.5 लाख या 1.5 लाख आप उसमें जो आपकी सैलरी है वो आपकी एड होती जाएगी। लेट सपोज अगर आपको किसी से भी लेने हो, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब नहीं कर रहे, आपके पेरेंट्स हैं, ब्रादर हैं, तो जो आप उसकी जो है ना अमाउंट आप आहिस्ता आहिस्ता से लें, आप उसमें सम अप करें और उसकी प्रॉपर जब उसमें आएगा कि आपकी जो है ना ये स्टेटमेंट उससे मैच नहीं करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जॉब नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें लिखते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या आप अनएम्प्लॉयड हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपने किसी से 2 लाख लिए, फिर अगेन 2 लाख लिए, देन यू शुड राइट डाउन प्रॉपरली, क्योंकि वो बैंक अकाउंट में तो जस्ट आपकी एक जो है ना नंबर आपकी एड होगी कि आपकी जो है ना बैंक में इन जो है ना एंट्री हुई है 2 लाख, लेकिन वहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं होती अंकल अनलेस कि आपकी जॉब और एम्प्लॉयमेंट है उसका लेटर और कवर लेटर में डिस्क्रिप्शन हो। फिर आपको वहां पे जाके प्रॉपरली लिखना होगा कि मे जॉब ही और शी वी डोंट डू द जॉब, और आपको वो एड करनी होगी प्रॉपर स्टेटमेंट में। तो वो स्टेटमेंट आपको लिखना होगी कि ये रकम मैंने किस जरिए से हासिल की है और इस रकम के लिए मैंने ये दाखिल कर रहा हूँ, फॉर पर्पजेज ऑफ MRCP, फॉर पर्पजेज ऑफ प्ले। सो इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी बैंक स्टेटमेंट को आप मेंटेन करें, आप इन करें उसको, और इसी वजह से आपकी जो है ना लेस लाइकली कि आपकी जो है ना वीजा वो रिजेक्शन हो इन फर्स्ट इंस्टेंस। उसके बाद यूजुअली बाकी भी पैरामीटर्स हैं, होटल बुकिंग या जहां पे आप जा रहे हैं, तो ट्रेवल ऑब्वियसली MRCP वाले कैंडिडेट इतनी लंबी ट्रेवल करते नहीं हैं, तो द ट्रेवल इज ऑलवेज लिमिटेड होती है उनकी। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली आप बेसिस के लिए आते हैं तो इट मे बी अ वीक और 10 डेज, तो हमेशा आप वो जो है ना होटल बुकिंग, समटाइम दे कैन आस्क समटाइम दे कैन नॉट बी, तो होटल बुकिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड ट्रेवल टिकट्स, रिटर्न टिकट्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, कि उसमें आपकी जो है ना ईजी होगा कि वीजा आपका अप्रूव हो। अगर लेट सपोज जो प्ले वाले कैंडिडेट्स कुछ लंबे अरसे तक आते हैं, उनको या तो हॉस्पिटल में अटैचमेंट करनी होती है, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, अगर के लंबे अरसे तक होटल बुकिंग, हॉस्टल बुकिंग्स समटाइम डिफिकल्ट, फिर ये होता है कि टेम्पररी अकोमोडेशंस होती हैं, आप शेयर्ड अकोमोडेशन, तो उसकी जो है ना डिटेल्ड आप लिखें। आपकी अर्निंग्स सिंपली अगेन मैं इसको सम अप करूं कि जो आपको लिखना है वो बहुत ऑनेस्टली आपको लिखना होगा, आपकी सेविंग्स, आपकी जो है ना जॉब, आप कहाँ से पैसे ले रहे हैं, उस सब की अच्छे से आपको उसका वैलिड रीजन हो और उसके प्रूफ्स हों। तो इसमें काफी ऐसे कैंडिडेट फीस तो सबमिट हो जाती है लेकिन उनको जो है ना वीजा नहीं मिलता, कोविड है, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन डिस्पाइट लोग आ रहे हैं यूके में फॉर देयर प्ले एंड बेसिस, वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन एज पर वीजा के क्राइटेरिया ऑब्वियसली आपको पता है कि यूके बहुत ही टाइटली फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द बैंक जो है ना बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत मॉनिटर करता है। आपका 1 करोड़ भी हो अगर अकाउंट में और आपकी सस्पिशियस एक्टिविटी हो या आप उसको जो है ना डिफाइन नहीं कर सके तो आपका वीजा रिजेक्ट होगा। लेट सपोज इवन आपका जो फर्स्ट वीजा रिजेक्ट होता है तो वो उसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव भेज देते हैं कि आपकी क्या इसमें जो है ना मिस्टेक है, तो यू कैन इमीडिएटली अप्लाई 10 to 15 डेज, तो आपका वीजा वो हो जाता है। तो जस्ट अगेन बैंक स्टेटमेंट और आपकी जो है ना स्लो एंड ग्रेजुअल सम अप इन द बैंक अकाउंट विल लाइकली योर वीजा विल गो इन द फर्स्ट गो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।